हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी है के ऊपर दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए दोस्तों वैकेंसी जारी कर दी गई मेडिकल लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी के साथ ही दोस्तों अन्य पदों पर भी दोस्तों वैकेंसी जारी की गई है जैसे कि आप देख सकते हैं मेडिकल लैब अटेंडेंट के लिए भी वैकेंसी इसमें जारी की गई है और केयर नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है और साथ ही दोस्तों नर्सिंग के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मेडिकल टेक्नीशियन के लिए और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ओ टी असिस्टेंट के लिए और फिजियोथेरेपिस्ट रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट के लिए भी वेकेंसी इसमें जारी की गई है ये वैकेंसी किसके द्वारा जारी की गई है ये पूरी डिटेल को हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये वैकेंसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो राउर केला स्टील प्लांट है ये उड़ीसा इंडिया में दोस्तों यहाँ पे स्थित है और इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन 16 नौ दो को ये जारी किया गया है और इसमें दोस्तों ट्रेनिंग के बेस पे जो नेम ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के बेस पे दोस्तों ये वैकेंसी सारी यहाँ पे जारी की गई हैं मेडिकल अटेंडेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सौ पद इसमें जो सीट नंबर ऑफ सीट की बात करें तो हंड्रेड सीट इसमें जारी की गई हैं और मिनिमम जो मैट्रिक इक्वलेंट यहाँ पे यानी मैट्रिक पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है और स्टाई फंड के रूप में आप देख सकते हैं सात हज़ार रुपये आपको पेमेंट भी दी जाएगी तो अभी दोस्तों एक ईयर के लिए ट्रेनिंग पीरियड पे ये वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है इसके बाद आपकी सैलरी इंक्रीज की जाएगी ऑल इंडिया से आप कैसे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं वैसे ही दोस्तों जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए भी दोस्तों यहाँ पे बीस सीट इसमें जारी की गई हैं सत्रह हजार इसमें स्टाई फंड के रूप में आपको दिया जाएगा द कैंडिडेट शुड है पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ कोर्स फ्रॉम रिकोकदा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ उड़ीसा और इंस्टीट्यूट रन बाय सेल प्लांट यूनिट और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेड इशू बाय नर्सिंग काउंसिल तो ये क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है वहीं देख सकते हैं एडवांस स्पेशलाइज जो नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे दोस्तों चालीस सीट इसमें जारी की गई हैं पंद्रह हज़ार इसमें भी स्टाई फंड के रूप में दिया जाएगा इसमें कैंडिडेट शुड हैव पार्ट डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिड वाइफी कोर्स फ्रॉम रिकोगनाइज नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ उड़ीसा और इंस्टीट्यूट ऑफ रन बे सेल्फ लाइट यूनिट या फिर बी एस सी नर्सिंग फ्राम एनी रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेड इश्यू वाई नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी देख सकते हैं मेडिकल जो ट्रे ट्रांसक्रिप्सन ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे नौ हज़ार स्टाई फंड के रूप में और छः वैकेंसीज में भी जारी की गई हैं इसमें आपको दी कैंडिडेट शुड मिनिमम इंटरमीडिएट यहाँ पे टेन प्लस टू क्वालिफिकेशन यहाँ पे पी भी मांगा गया है और साथ ही दोस्तों मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो ट्रेनिंग के लिए भी इसमें दस सीटें जारी की गई हैं नौ हज़ार यहाँ पर दो सौ स्टाई फंड के रूप में आपको दिया जाएगा दी कैंडिडेट शुड भी है पास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी डीएमएलटी कोर्स जिन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट कॉलेज से यहाँ पे किया होना चाहिए और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग के लिए भी दस सीटें पंद्रह हज़ार स्टाई के रूप में दिया जाएगा द कैंडिडेट शुड बी हैव पास एम बी और पीजी डिप्लोमा ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का मांगा गया है ओ और एनिस्थीसिया असिस्टेंट के लिए दोस्तों देख सकते हैं नौ हज़ार स्टाई के रूप में पाँच सीटें हैं द कैंडिडेट शुड बी हैव पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकोगनाइज काउंसिल शुड हैव कम्प्लीटेड बनयर हॉस्पिटल अटेंडेंट और एनिस्थीसी अटेंडेंट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम रेपूटेड इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल वहीं दोस्तों जो फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग के लिए दोस्तों तीन सीटें दी गई हैं बैचलर यहाँ पे मांगा है फिजियोथेरेपी ई बी पी टी जो उन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकता है दस हज़ार स्टाइफेंट के रूप में दिया जाएगा रेडियोग्राफर ट्रेनिंग के लिए दोस्तों तीन सीटें नौ हज़ार स्टाइफेंट के रूप में और जो डिप्लोमा मेडिकल रेडियोग्राफी में इसमें मांग गया है फार्मासिस्ट के लिए भी इसमें है ट्रेनिंग के लिए द कैंडिडेट शुड बी पास डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मेसी वाले अप्लाई कर सकते हैं इन इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज बाय गवर्नमेंट तीन सीटें हैं नौ हज़ार स्टाई फंड के में तो दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेट मिनिमम एज अठारह ईयर एज एंड शुड बी नॉट बी मोर देन पैंतीस ईयर यानी अठारह से पैंतीस वर्ष के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं दी पीरियड ट्रेनिंग सेल भी बनेर का रहेगा सिलेक्शन सब्जेक्ट मेडिकल फिटनेस पर रूल कंपनी कैंडिडेट भी अंडरग्राउंड सिमिलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिया जाएगा दोस्तों ये ट्रेनिंग के तौर पर ये वैकेंसी जारी की गई है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे इस साइट पे आपको ऑनलाइन के माध्यम ऑनलाइन ये फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग डेट यहाँ पे तेईस नौ दो हज़ार बाईस से स्टार्ट हो गए हैं और आठ दस दो हज़ार बाईस तक के एंड यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे इससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार का दोस्तों डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इसका ऑफिशियली पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे तो वहाँ से आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच